नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन मंडल और धनबाद की सबसे बड़ी खबरों में हम बात करते हैं इस सप्ताह की। तो आज रविवार को धनबाद के पाथलडी थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। और दूसरी मामला है धनबाद नगर निगम से। तो धनबाद नगर निगम में नगर आयुक्त और नगर अपर आयुक्त को कंप्यूटर खरीद फरोख्त मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। वहीं घनौडी CKW साइडिंग में मालगाड़ी को बेपटरी होने से गार्ड की मौत हो चुकी। वहीं धनबाद जेल से दो पोस्को एक्ट के दो कैदी फरार हो गए थे। वहीं टीकाकरण की बात करें तो धनबाद स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण में सबसे बड़ी लापरवाही देखी गई, जहां एक महिला को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया था। वहीं धनबाद में एक छिनताई का भी मामला आया था। धनबाद के जो लूबी सलपुर रोड है, वहां से 2 लाख की BCCL कर्मी से लूट की गई। वहीं और धनबाद के सिंदरी में जो धनबाद सिंदरी ट्रेन चलती है, उसके लिए खुशखबरी है, 17 महीने बाद आज ट्रेन चालू किया गया और सभी यात्रियों को मास्क वितरण भी किया गया। धनबाद से लाइव लगातार के लिए अर्जुन। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।